ऑथेंटिक अमृतसरी कुलचा होता है वो हमेशा बहुत सारी परतों में होता है। मैं आया सी कुलचा खान। अच्छा, इतना टेस्ट लगे मैं दो कुलचे खाया। क्या बात है। लगा नहीं कि मैं अमृतसर या दिल्ली चा। अच्छा, और ये होगा अब। क्या बात है। राम राम जी, स्वागत है आपका फूड स्टैंड पर। दोस्तों, हम आ चुके तिलक नगर, ये जेल रोड है साइड में, और ये वाला जो मोड़ है ना, ये सामने हमारे दिल्ली हाट जनकपुरी वाला, तो आप ये लोकेशन समझ गए होंगे। सैंडोज भी है साथ में, और अपोजिट में मंजीत चिकन, ये फेमस जो जगह है यहाँ पर। तो भाई ये है अमृतसरिया, इनका एक आउटलेट है रोहिणी में, सेक्टर 2-3 के डिवाइडिंग रोड पे। और दोस्तों, यहाँ का जो न्यूट्री कुलचा और साथ में इनका अमृतसरी तंदूरी कुलचा बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर इनकी नई ब्रांच खुली है, 7-8 महीने इनको हो चुके हैं। तो यहाँ का न्यूट्री कुलचा ट्राई करते हैं और साथ में अमृतसरी तंदूरी कुलचा भी ट्राई करेंगे और आपको टेस्ट करके बताएंगे। अंदर एक अच्छा सेटिंग है और पूरा एयर कंडीशन पूरा रेस्टोरेंट है। आपको दिखाते हैं, मेकिंग दिखाते हैं, आपके मुंह में पानी लाते हैं, फिर आपको टेस्ट करके रिव्यू देते हैं। बाकी एक चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगी यहाँ पे, एक कुलचा ले लो, उसके साथ जो भी आपको आइटम्स मिलने वाले ना, चाहे छोले, चटनी, रायता, जितना मर्जी उतना आप अनलिमिटेड यहाँ डलवा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगा और पेट भरने के लिए मुझे बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी है। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ का टेस्ट रिव्यू आपको देते हैं। और भाई ये पड़ते आप एक बार देख लीजिए, जो ऑथेंटिक अमृतसरी कुलचा होता है वो हमेशा बहुत सारी परतों में होता है। कितनी परतें होंगी नियरली? 9-10 के आसपास है। और ये अंदर की स्टफिंग है, ये पनीर आ गया, प्याज आपने उसको काटे, गोभी, ये हो गया जी आपके मिक्स, ये हो गए, ये मिक्स, ये है मिक्स पूरा भाई भर कर। और यही अमृतसरी कुलचे का मज़ा है कि जितना आटा यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा तो स्टफिंग यूज़ हो जाती है। मुझे भर गया, बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे आपको 8 महीने हुए भी है, पता चला अभी 8 महीने हुए हैं आपके, आपको उससे पहले 5 साल से आपको रोहिणी वाला आउटलेट चल रहा है। सही है। अरे भाई, आटा वाटा लगा के पूरा बनते हुए, सिंगल पीस भी मिल जाता है यहाँ पे? सिंगल पीस भी मिल जाता है, क्योंकि अमृतसरी कुलचा थोड़े से हैवी रहते हैं, अगर सिंगल पीस भी खा लेना तो भी भाई बंदे का पेट भर सकता है। निशान के तौर पे ये जैसे दिखाने के लिए स्टफिंग वगैरह, अच्छा, ये इस तरीके से होते हैं। यह दही और बटर के मसाले बने हैं, मसाले वगैरह सारे डाल के। अच्छा, तो भाई अंदर देखिए एक बार तंदूर का नजारा, ऑलरेडी 4-5 कुलचे लगे पड़े हैं। यहाँ पे स्विगी जोमेटो को काफ़ी काम है, तो दोस्तों अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं स्विगी और जोमेटो के थ्रू। और दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है यहाँ के अमृतसरी छोले। अच्छा सर, यहाँ पे आपने बताया था कि यहाँ पे अदरक, लहसुन, प्याज, तेल, किसी चीज़ का? हाँ जी, ये बिना घी, लहसुन, प्याज, बिना तड़के के होते हैं सर। सही है, मतलब बॉइल्ड चने में मसाले आप डाल सकते हैं, प्रॉपर अमृतसरी मसाले होते हैं जो हमारे। अच्छा भैया, यहाँ पे संभालते हैं न्यूट्री कुलचा का सेक्शन, न्यूट्री कुलचा आप खुद बनाते हैं यहाँ पे? हाँ जी। ठीक है सर, तो एक बार न्यूट्री की मेकिंग हमें देखनी है। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल बेटा। सर हमें बताइए, एक बार आप खा रहे थे यहाँ पे, 2-3 कुलचे आपने खाए यहाँ पे, मैं देख रहा था आपको, फीडबैक दीजिए कैसा लगा है खाना? मैं अमृतसर विच भी कई जगह तो पहलवान का कुलचा, कुलवंत सिंह का कुलचा, हाँ उत्थे काफ़ी ट्राई किए हैं। अच्छा, वो मैं क्या, चलो साढ़े, मैं टैगोर गार्डन रहना, पड़ोस में खुलिया चल, ऐसे भी ट्राई करके आना। ओके, मैं आया सी कुलचा खान। अच्छा, इतना टेस्ट लगे मैं दो कुलचे खाया। क्या बात है। सिमिलर टेस्ट है। हाँ। और मतलब लगा नहीं कि मैं अमृतसर या दिल्ली चा। अच्छा, अरे यार इससे बड़ी बात नहीं हो सकती भाई। अंकल जी आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 61 साल। 61 साल है। हाँ जी। सही है, मतलब बढ़िया लगा आपको खाना है? बहुत बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। बहुत सही, बहुत सही। दोस्तों कुलवंत सिंह और भाई पहलवान पे हम भी ट्राई कर चुके हैं, और सच में यार वहाँ का खाना मतलब लाजवाब है। अगर वो स्वाद यहाँ मिल रहा है ना दिल्ली में, तो बहुत बड़ी बात है यार। भाई अपने मिक्स कुलचा बिल्कुल रेडी है यहाँ पर, ये देख लीजिए, अब तो यार रुका नहीं जा रहा। अगर वो कुलवंत सिंह और वो पहलवान वाला स्वाद मिल जाए दिल्ली में, तो मज़ा ही आ जाए। हाँ, ये ऊपर से आ गया बटर, बटर यहाँ सारा मूल का रहता है ना? सिंगल कुलचे, ये इनके मिक्स कुलचा है, सबसे स्पेशल वाले। वैसे कुलचे की स्टार्टिंग 80 रुपये से हो जाती है, तो ठीक है प्राइसिंग मेरे हिसाब से। अमृतसर में भी हमने 70-80 रुपये के आसपास ही खाया था, दिल्ली में भी आपको यही मिलने वाला है, 80 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। साथ में बटर बहुत अच्छी क्वान्टिटी में डाल देते हैं ऊपर। ये आगे इनके छोले, स्पेशल इमली की चटनी और प्याज, ये भाई कमाल लगती है। फिर इनका रायता, देख रहे हैं भाई क्रिस्प, देखो एक बारी, तो बिल्कुल परतों वाला कुलचा। एक बार आपको अंदर की स्टफिंग भी दिखा दूं, बटर वगैरह रगड़ के, ये देखिए एक बारी, है ना भाई, भर भर के बिल्कुल प्याज, आलू, पनीर। चलिए फिर स्वाद लें छोले,
हमें सर की याद आएगी सच में भाई। अंकल ने बिल्कुल परफेक्ट रिव्यू दिया था सच में भाई। अब भाई ना ऑथेंटिक स्वाद दिल्ली में, मैंने कई जगह ट्राई कर लिया दिल्ली में अमृतसरी कुलचा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट मिसिंग होता था। तारीफ कर लेना, शब्द कम पड़ रहे हैं। अमृतसर की पूरी याद दिला देगा ये कुलचा आपको। हमने तो अमृतसर पूरा कवर करा कुलचों के मामले में, तो हम बता सकते हैं आपको दोस्तों कि एक्चुअली जो ऑथेंटिक अमृतसरी कुलचा है ना, वो स्वाद ही आपको दे रहे हैं। और जितने जगह हमने दिल्ली में ट्राई करा, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा ऑथेंटिक अमृतसरी कुलचा। एक बार लस्सी भी देख लेते हैं, 60 रुपीज़ की लस्सी है, कुल्हड़ लस्सी। पिस्ता वगैरह डाला हुआ है, मीठी लस्सी है। तो भाई ये चीज़ 10 out of 10 दूंगा मैं इसको सच में, इतना कमाल है। और एक और मंगाना पड़ेगा मुझे, मेरी मजबूरी है, क्योंकि इतना टेस्टी लग रहा है मुझे। तो याद है कि लोग अमूल की टिक्की आ चुकी है, न्यूट्री कुलचा तो भाई शायद अभी लेटेस्ट में स्टार्ट कर रहा है। हाँ जी, कितना टाइम हो गया होगा ये भैया? अभी लगा के चलो आप 2 हफ्ते, 2 हफ्ते के आसपास ही होगा। 8:30 से 5 बजे तक आपको मिलेगा अमृतसरी कुलचे भी और न्यूट्री कुलचा भी, ठीक है। उसके बाद 6:30 से 10 बजे तक के रात में सिर्फ न्यूट्री कुलचा। हाँ, अमृतसरी कुलचा ब्रेकफास्ट और लंच में ले सकते हैं आप। भाई सारी सब्जियां आ चुकी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काटा हुआ है, और यहाँ पे हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं दोस्तों। वेजिटेबल्स आ गई भाई सारी, प्याज, कैप्सिकम, गाजर, हरी मिर्च और अदरक। ये ऊपर से आ गया सर ये मसाले न्यूट्री का। हाँ जी, ये आ गई भाई न्यूट्री, बढ़िया मसालेदार और बटर वाली लग रही है यार। बहुत सही, उसका कलर बिल्कुल वैसा ही है एक्चुअली जो हमने अमृतसर में ट्राई करा था। ऊपर से आ गया पनीर, बहुत सही। चलिए फिर लगवाएं क्या अपनी प्लेट, बड़ी मस्त लग रही है वैसे प्लेट। सर बहुत एफिक था, मस्त था, आप देख सकते हैं अभी तक पूरा नहीं खाया गया। अच्छा। एक कुलचा था, सिंगल कुलचा, सिंगल कुलचा नहीं खाया। अच्छा। गया बहुत मस्त था। अच्छा। मैं मिक्स वाला लिया था। अच्छा। बहुत टेस्टी, मतलब एक कुलचा एक जने के लिए इनफ है, मेरे जैसे के लिए तो इनफ है, बाकी आप समझ जाओ। क्या बात है। बेसिकली बॉम्बे से हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे आई हूँ तो कुछ नया फूड ट्राई किया एंड बहुत सही लगा। अच्छा। मतलब वी आर आस्किंग कि बॉम्बे में कहाँ मिलेगा। अच्छा। मतलब लास्ट टाइम मैंने यहाँ से लेके गई थी वो कुलचे का पैकेट एंड वी पैक द फूड फ्रॉम हियर, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा। वी वर नॉट अवेयर अबाउट कुलचा, तो हम लोग यहाँ पे आके उनको पूछा था कि क्या है एग्जैक्टली, तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो बहुत अच्छा लगा। सही है, सही है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बॉम्बे वालों को भी अच्छा लग रहा है पंजाबी फूड। तो प्याज चटनी आ चुकी है, फिर आगे अपने न्यूट्री। सर न्यूट्री में दोबारा रिफिल कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। सही है, ये भाई मसाला पूरा टच करते हुए फ्लेवर आएगा पूरे कुलचे के अंदर। ऊपर से बटर। सो दोस्तों हमारे आ चुके न्यूट्री कुलचा की प्लेट, सिंगल सिंगल पीस हमने लगवाया, लेकिन आपको सिंगल पीस नहीं मिलेगा, यहाँ पे 2 पीसेस का है पूरा कॉम्बो। 110 एक प्लेट है, मतलब पूरी 110 रुपये का अगर आप सूजी वाले लेते हैं और ये मैदा कुलचा, और 120 रुपये वाले में आटा कुलचा है, वैसे है तो सूजी वाले। चलिए ट्राई करते हैं, शुरुआत करेंगे आटे कुलचे के साथ, हेल्दी ऑप्शन, बिल्कुल अच्छे तरीके से ऊपर न्यूट्री लगा रखी है। और ये देखिए भाई ऊपर ना पनीर की गार्निशिंग के साथ गर्मा गर्म न्यूट्री। ये दुकान दिला रही है पूरे अमृतसर की याद, बहुत सही लग रहा है, गर्मा गर्म और थोड़ी स्पाइसी सी न्यूट्री, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल। बिल्कुल ठंडी चटनी और प्याज है, बहुत सही। एक बारी ये वाला भी ट्राई, सूजी मेरा, सॉरी। हाँ
स्वाद वैसे सूजी में देख सकते थोड़ा सा बेटर आ रहा है, आटे वाला हल्का सा फ्लैट हो रहा है लेकिन बढ़िया इसके साथ भी लग रहा है। लेकिन डोमिनेट तो हालांकि न्यूट्री कोई करना है, चाहे आप कोई भी कुलचा लें आपके ऊपर है। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, पर इनका जो भाई कुलचा था ना, तंदूरी कुलचा है, वेज कुलचा जो हमने लिया था मिक्स वेज, वो कमाल था। मतलब कि दिल्ली में शायद ही मैंने कहीं और इतना बढ़िया बिल्कुल ऑथेंटिक अमृतसरी स्टाइल ट्राई करा होगा, तो ये भी बढ़िया है। लेकिन उसको आपको ज़रूर कंसिडर करना है अगर आए मन है अमृतसरी ऑथेंटिक न्यूट्री वो तंदूरी कुलचा खाने का, तो फिर आपको ये दुकान पर विजिट ज़रूर करना चाहिए। स्विगी जोमेटो से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, डिलीवरी ऑप्शन है यहाँ पर, और इनकी एक ब्रांच है सेक्टर 3-4 के आसपास, थोड़ा पूछूंगा मैं इनसे, रोहिणी में है वो ब्रांच, और वहाँ पर ये पिछले 5 साल से अपना काम रन कर रहे हैं। बाकी खाना बहुत टेस्टी है। तो टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8:30 बजे स्टार्ट कर देते हैं और शाम 5 बजे तक आपको न्यूट्री कुलचा भी मिलेगा और अमृतसरी कुलचा भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको लेट आते थोड़ा तो सिर्फ आपको न्यूट्री कुलचा मिलेगा, शाम 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 10 बजे तक है, 7 डेज ओपन है दुकान, तो आप आइए ट्राई करें। और मेरे ख्याल से एक बार आपको तंदूरी कुलचा का ज़रूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि वो है बिल्कुल प्योर ऑथेंटिक वाला मज़ेदार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ऐसे अपना प्यार बनाए रखें।